प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। आरआरबी द्वारा आयोजित एनटीपीसी सीबीटी 1 की परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में कांग्रेस और आरजेडी भी अब मैदान में कूद पड़ी है। इन दलों ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में रिक्तियां भरी हुई हैं और बेरोजगार छात्र रोड पर धूल फांक रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने तो सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आपका झंडा धोने के लिए युवा नहीं है, उन्हें रोजगार भी चाहिए। आइए हम आपको सुनाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ नाथ तिवारी ने सरकार पर किस प्रकार का प्रहार किया है। अधिकार मांगती जनता और रोजगार मांगते युवा, इन सरकारों को उपद्रवी दिख रहे हैं। आप देखिए क्या फर्क आ गया है। अरे छात्र रोजगार नहीं मांगेंगे, वो आपका झंडा लेके दौड़ते फिर तो ठीक है, रोजगार मांग लिए तो उपद्रवी हो गए, क्या करें पढ़ लिख के फिर वो। और रेलवे पारदर्शी परीक्षाएं क्यों नहीं लेगा भाई, मुफ्त में परीक्षा लेता है रेलवे, इसके लिए भी वो छात्रों से मोटी वसूली करता है पहले फीस के नाम पर। और पारदर्शी परीक्षा की मांग कर देना उपद्रव हो गया, शर्म नहीं आती है छात्रों को उपद्रवी बोलने में। दुर्भाग्य से इस देश में केंद्र में भी उपद्रवियों की सरकार है और राज्य में भी उपद्रवियों की सरकार बैठ गई है और ये छात्रों को उपद्रवी बता रहे हैं, बेशर्म लोग। इधर आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने भी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि जब रिक्तियां पड़ी हुई हैं तो फिर बेरोजगार सड़क पर क्यों धूल फांक रहे हैं। आइए सरकार पे चितरंजन गगन ने क्या सब कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। केंद्र और बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में लाखों लाख रिक्तियां पड़ी हुई है, इसके बावजूद भी बेरोजगार नौजवान सड़क पर धूल फांक रहे हैं, रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। तो सरकार की नीयत और मंशा साफ नहीं है, वह नहीं चाहती कि बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिले। अभी आरआरबी का जो मामला है सामने आया है, जो काफ़ी छात्र आक्रोशित हैं, 2019 में इसका विज्ञापन निकला और छात्रों के आंदोलन के बाद 2021 में परीक्षा लिया गया और 2022 में अभी रिजल्ट निकला है और रिजल्ट में इतनी अनियमितता है कि आप एक एक अभ्यर्थी कई कई पदों पर उनका चयन किया गया है। तो आप एक अभ्यर्थी जब कई पदों पर उनका चयन किया जाता है तो निश्चित रूप से दूसरे अभ्यर्थी का हक मारा जाएगा। तो यह जानबूझकर उलझाने के लिए, मामला को फंसाने के लिए आज अब वही जो है सो आरआरबी ने परीक्षा को कैंसिल किया है और जांच का आश्वासन दिया है। यही बात पहले उसको समझ में क्यों नहीं आया। तो यह नियत नहीं साफ है सरकार का, चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, उसका नियत साफ नहीं है। वह नहीं चाहती कि बेरोजगारों को रोजगार मिले और जानबूझकर ऐसा लफड़ा फंसाना, ऐसा मामले को इस ढंग से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना जिससे यह मामला उलझता रहे और बेरोजगार नौजवान सड़क पर धूल फांकता रहे। राष्ट्रीय जनता दल के सामने बेरोजगारी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के सवाल पर आवाज़ उठाने का काम किया है, पहल करने का काम किया है और राष्ट्रीय जनता दल बेरोजगार नौजवानों के हक की लड़ाई अंतिम अंतिम सांस तक लड़ने का काम करेगी। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।